क्या लड़कियां घरों में ही हो जाएं कैद? क्या लड़कियां रात 8 बजे के बाद घरों से ही न निकले? अब लड़कियों की जिम्मेदारी होगी हॉस्टल संचालकों की। कोचिंग संस्थानों को भी करनी पड़ेगी लड़कियों की सुरक्षा। तो क्या मध्य प्रदेश में लड़कियां नहीं है सुरक्षित? क्या पुलिस नहीं दे पा रही है सुरक्षा? क्या कानून व्यवस्था हो गई ध्वस्त? भोपाल गैंगरेप के बाद मध्य प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री का ये बयान तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए आपको सुनाते हैं मध्य प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी का वो बयान, जिनमें उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया है कि अब रात 8 बजे के बाद प्रदेश में कोचिंग सेंटर बंद हो जाएं। कि अब आने वाले समय में जो हमारे निजी शिक्षण संस्थान है उनके साथ कोचिंग संस्थान है, इनका टाइम भी अब रात को 8 बजे बंद नहीं। 8 बजे बाद अगर होगा तो उस छात्र छात्रा की जिम्मेदारी उसी संस्थान की होगी जहां पर वो छात्र कोचिंग ले रहा हो। तो क्या हम संस्थानों से कैसा क्या ये काम करवा सकते हैं कि वो दिन में अपना कोचिंग का कार्य करे? और अगर जरूरी है जैसे आपने कहा कि बच्चे को 4 बजे 5 बजे स्कूल से छूटता है, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक 10-10, 11-11 बजे तक अगर बच्चों की पढ़ाई होती है तो ये कहीं ना कहीं आज की दृष्टि में मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं मंत्री जी? इसके पहले कोई और इसका विरोध या समर्थन करता, प्रदेश सरकार की मंत्री माया सिंह ने ही इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे व्यक्तियों की और ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को सरेआम ऐसी सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में वो इस तरीके की वारदात करने के बारे में सूचना पढ़ रही हैं और बराबर के मतलब हर क्षेत्र में बराबर अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। हम उनको घर में थोड़ी क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन नाकाम हो रहा है? अपराधों की बात करें तो भोपाल गैंगरेप के बाद मध्य प्रदेश की ही देवास में एक मासूम को हवस का शिकार बनाने में नाकाम आरोपी ने नाबालिग की हत्या कर दी। महिलाओं से जुड़े अपराधों को लेकर पुलिस कितनी संवेदनशील है ये भी आप सुन लीजिए। सबसे घटिया चीज तो पुलिस का बिहेवियर था। इस थाने से उस थाने कम से कम 3-4 थाने में हम लोगों ने चक्कर लगाए। अब हम मेरे दोनों पेरेंट्स पुलिस में, उसके बाद हमने ये सब फेस करे तो आप सोच सकते हैं आम पब्लिक कैसे फेस करती होगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही नशेड़ी खुले में घूमते हैं, बावजूद इसके पुलिस इन पर कोई लगाम नहीं लगा पा रही। भोपाल गैंगरेप मामले में भी चारों आरोपी नशे के आदि थे और नशे के कारण ही उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन आज भी स्टेशन के आसपास कितनी सुरक्षा है आप ये भी सुन लीजिए। एक नशेड़ी स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था खुद बनाने की बात कर रहा है। रेलवे स्टेशन और उसके आसपास सुरक्षा इंतजामातों को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल रेलवे स्टेशन पर और हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की कि किस तरह के इंतजामात इस स्टेशन पर हैं, लेकिन जो कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। एक तो यहाँ सुरक्षा के किसी भी तरह के इंतजामात हमें देखने को नहीं मिले, जबकि भोपाल स्टेशन में जो गाड़ियाँ हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ ना मिली। और हमने जब कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका भी ये कहना था कि राम भरोसे यहाँ की व्यवस्था चल रही है। जिस जगह हम खड़े हैं उसके आसपास भी इस तरह के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कहीं ना कहीं सुरक्षा दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि एक संदेह की स्थिति वहाँ पर बनती है, लेकिन किसी को ये जानने की कोशिश नहीं है। पुलिस को सुरक्षा में इंतजामों में जो इस स्टेशन पर लगे हैं उनको जानने की कोशिश नहीं है कि किस तरह के लोग यहाँ आते जाते हैं। एक बड़ा सवाल इस भोपाल स्टेशन पर देखने को मिला है। कैमरा पर्सन अब्दुल रहमान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल। मैं चाह रहा कि मेरी माँ बहन बेटी रक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। इधर 6 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो चाहे कहीं भी, कहीं से भी सपोर्ट मिलने चाहिए पुलिस की तरफ से भी। यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसे लोग नहीं घूमते। वो बड़ा बात यह पुलिस वालों ने, पुलिस वालों की गलती है।
बढ़ावा पुलिस वालों ने दिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या कर रही है पुलिस। चलिए एक और भी नजारा आपको दिखाते हैं। ये टूटी हुई बैठक व्यवस्था और इस पर लगा ये नोटिस बोर्ड जिस पर साफ लिखा है ये महिलाओं की बैठने की जगह है। ये आलम है भोपाल के रेलवे स्टेशन का। सवाल ये नहीं है कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, सवाल तो ये है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी चरमराई क्यों है। आरोपी खुले में घूम रहे हैं तो पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। सवाल एक और भी, क्या लड़कियों की सुरक्षा व्यवस्था सरकार की नहीं है? क्या प्रदेश में इतना अपराध बढ़ गया है कि लड़कियां अब खुले में नहीं घूम सकती? इन सभी मुद्दों पर अब सोचना जरूरी होगा। देना चाहते हैं या सिर्फ फेस सेविंग पर काम करेंगे? कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल या निशान उठते हैं, समाज से उठकर इस पर विरोध भी होता है। सरकारें बड़े बड़े फैसले भी लेती हैं, अमल पर लाने की बात जब आती है तो कभी कभी जब हम ऐसा सुनते हैं कि अब कोचिंग बंद कर दी जाएंगी 8 बजे के बाद, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए या कोचिंग जिम्मेदारी उठाए, ऐसे बहुत तरह के सवाल हैं। इससे कहीं ना कहीं अपराधियों के आगे हम झुकते से नजर आते हैं। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुप्रीत कौर, कांग्रेस की आशा जैन, अंशु गुप्ता सामाजिक कार्यकर्ता, मोनिका वर्मा मनोचिकित्सक और सुमन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीत कौर, आपसे ही समझते हैं कि आप महिला भी हैं, माँ भी हैं और सत्ताधारी दल की नेता भी है। कैसे आप देखते हैं मंत्री जी के इस निर्णय को और समाज में ऐसी क्या जरूरतें हैं कि महिला सुरक्षा महसूस करें और बेहतर ढंग से अपने काम कर सकें? पहले लूंगी जो दीपक जोशी जी ने जो निर्णय लिया है कि 8 बजे कोचिंग संस्थान बंद हो जाए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भोपाल एक एजुकेशनल हब है। यहाँ पर आसपास के जो सैटेलाइट टाउन्स हैं, जैसे विदिशा हो गया, जैसे सीहोर है, और भी आसपास के होशंगाबाद और भी कई टाउन्स जो लगे हुए हैं, रायसेन है, वहाँ से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग ट्रेन्स के या बसों के माध्यम से यहाँ पे कोचिंग अटेंड करने के लिए पहुँचते हैं। और वो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अप डाउन करते हैं, क्योंकि कोचिंग कई तरह की कोचिंग है, IAS की कोचिंग है, PCS की कोचिंग है और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग है। तो अगर ये लोग, इन्होंने जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वाले हैं, इनका जो एक मेन क्राइटेरिया होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेट नाइट तक ये लोग पढ़ा के और इनकी क्लासेस चलती हैं, उसमें क्या होता है कि अगर कुछ ऐसी क्लासेस लेट नाइट चलती हैं तो ये बच्चे वापस जब घर पहुंचती हैं, क्योंकि ये इसमें टीनेजर्स भी होते हैं और थोड़ी ऐसी उम्र की बच्चियां भी होती हैं जो 21-22 साल की उम्र तक की हैं, तो उनका घर पहुंचने का समय बहुत देर हो जाती है उनको जब तक वो पहुंचते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वो सुरक्षित होकर समय पर पहुँचे। इसमें मुझे लगता है कि जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं बच्चों के, वो भी इस बात से सहमत होंगे कि जो कोचिंग क्लासेस हैं वो 8 बजे तक भी हम ये मानते हैं कि ये लेट ही है 8 बजे। कोई बहुत जल्दी 6 बजे बंद नहीं किया है कि भाई 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा, ऐसी कोई इस तरीके की कोई बात नहीं की है। लेकिन 8 बजे के बाद जो होता है वो दुकानें बंद होने लग जाती हैं, एरिया सुनसान होने लग जाता है। और हम ये कहेंगे कि हर सड़क पर पुलिस की गश्त के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा शहर है और शहर में जनसंख्या भी काफ़ी है। जो बच्चे बाहर से आते हैं उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि कौन सा इस शहर में कौन सा क्षेत्र किस प्रकार से वहाँ पर कोई ना कोई आपराधिक मामला हो सकता है या सेंसिटिव जोन्स हैं, वो बाहर से आए बच्चों को बहुत बार नहीं पता होता। तो उनकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि अगर आप महिला की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत संवेदनशीलता से ही शुरू से काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत दुख है इस बात का कि इस तरीके का वाकया
और इस तरीके के जो रेप केसेस हैं, अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप पहले के अगर हम आंकड़ों की बात करें आज की तारीख में, ये भी हम लोग पूरी तरीके से ये शोध का विषय है कि इतने ज़्यादा रेप केसेस क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। मैं भी कहीं ना कहीं बैठकर इस बात पे हम लोगों ने चर्चा भी की है, कई अधिकारियों के साथ भी चर्चा हुई कि क्या विषय है जो इतने ज़्यादा जो रेप के केसेस हैं वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, और उसमें बहुत सारे कारण भी निकल कर आए हैं। पुलिस जो असंवेदनशीलता पुलिस ने दिखाई है, यही रीज़न है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना समय गंवाए, बिना देर किए, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त करते हुए सबसे पहला ये कोताही क्यों हुई, इस केस में कोताही क्यों हुई। पुलिस को साथ के साथ जो अधिकारी थे उनको तत्काल इफेक्ट के साथ उनको निलंबित किया गया, और ये दंडित किए गए हैं पुलिस वाले। अगर अभी भी नहीं समझते हैं तो ये दंड मिला है उनको। चलो सुखबीर जी आपके पास एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा। इस तबादले को लेकर भी बहुत तरह के सवाल उठे हैं, हो सकता है आपको जाना है कहीं और, हो सकता है उस वक्त तक आप हमारे साथ मैं आपके साथ ही रहूंगी। ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास 8 बजे तक डिबेट में रहने वाली हूं। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद आपका। आशा जन, आप कैसे देखती हैं, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, सरकार अपनी इस तरह की परिस्थितियां हैं कि वो इतनी देर तक लोग बाहर ना रहे घर में, बाहर से लोग आते हैं अप डाउन करने वाले, ये सारी तरह की चीजें, इसको कैसे देखती हैं? जनता जब किसी भी सरकार को बनाती है तो इसी आशा और विश्वास के साथ बनाती है कि ये जो सत्ता में जो मुख्यमंत्री है या इसकी जो प्रशासनिक क्षमता है या जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। इसी उम्मीद और इसी नियत के साथ एक व्यक्ति मतदाता बनकर वोट देता है और एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो उसका सम्मान और उसके आत्मसम्मान के साथ साथ उसकी शारीरिक सुरक्षा का भी व्यवस्था बनाए रखे, पहली बात। दूसरा, अभी मैं बड़े ध्यान से अपने पहले वक्ता को सुन रही थी, उन्होंने अभी एक बात बोली कि जो सेंसिटिव जोन है, बाहर के बच्चों को पता नहीं होता है कि वो सेंसिटिव जोन है और वहाँ जाना है कि नहीं जाना है। जब भाजपा सरकार ये खुद मानती है कि भोपाल में कई ऐसे सेंसिटिव जोन हैं जहाँ महिलाओं की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो क्यों उन सेंसिटिव जोन पर पुलिस बल का पहरा नहीं होता, एक बात। दूसरा, दीपक जोशी जी ने एक बयान दिया कि 8 बजे के बाद कोचिंग संस्थान जो है वो बंद कर देना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हम ये मान लें कि बच्चियों को हम 8 बजे के बाद, अब मध्य प्रदेश में इतनी भयावह स्थिति हो गई है कि अब 8 बजे के बाद महिलाएं सड़कों पर ना निकले, हम अपनी बच्चियों को सड़कों पर ना जाने दें, क्या कोचिंग क्या? अब एक प्रश्न सीधा सा ये है कि क्या कोचिंग के लिए ही हमारी बच्चियां घर से निकलती हैं? आज आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, 2 वर्ष की बच्ची से लेकर 60 साल तक की बुजुर्ग अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही है। आज आप ये नहीं कह सकते कि जो बलात्कार हुआ वो कोचिंग में जाने वाली बच्चियों के साथ ही हुआ, आज बलात्कार 1-2 साल की बच्ची के साथ हो सकता है, आज बलात्कार 1-60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आज बीजेपी की प्रवक्ता भी स्वीकार कर रही है कि कानून व्यवस्था में पुलिस ने असंवेदनशील बर्ताव किया, इसलिए हमारे सीएम को सामने आना पड़ा। तो मैं ये मान लूं कि मुख्यमंत्री जी का जो कसावट है वो कहीं ना नहीं कानून व्यवस्था पर ढीली हो गई है। आशा जी मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार फिर लौटूंगा। अंशु गुप्ता, एक समाज सेवी की दृष्टि से कैसे देखते हैं आप, दोनों नेताओं के आपने तर्क सुने, आप समाज सेवी की दृष्टि से कैसे देखती हैं इसको, क्या कुछ आचार संहिता होनी चाहिए, हमें कब निकलना है, कैसे निकलना है, क्यों पढ़ने का हमें टाइम तय करना चाहिए, कोचिंग जाने का टाइम तय करना चाहिए, अन्य भी हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस रास्ते से गुजरना है, किससे नहीं गुजरना है, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, पर जो ये घटनाएं दुर्घटनाएं बच्चियों के साथ हो रही हैं, ये हम सामाजिक स्तर पर जो समाज का एक दुखद रूप सामने आता है वो बहुत बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि ऐसी घटनाएं समाज में होती क्यों है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं इन चीजों को स्ट्रिक्टली, जैसे लॉ बहुत सारे हैं, लोग कहते हैं कि कानून का कड़ापन होना चाहिए, सरकार की पकड़ ढीली है, तो ये सारे पहलू तो राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पे देखें, पर जो सामाजिक परिदृश्य जो मैं देख रही हूं उसमें कहीं ना कहीं अब हम महिलाओं को खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क होना होगा। देखिए,
कोई भी समय हो, कोई भी प्रहर हो, दिन का कोई भी चाहे रात का कोई भी टाइम हो, हम महिलाएं बाउंडेशंस में क्यों रहें? हम महिलाओं के ऊपर ही सारे नियम, सारे कायदे और सारी लिमिटेशंस क्यों हों? क्यों 8 बजे कोचिंग बंद हो? ओवरनाइट चलनी चाहिए। कोचिंग कोई बुरी चीज तो नहीं है, वहां पे बच्चे पढ़ ही तो रहे हैं, शिक्षा ही तो ले रहे हैं। ये हमारा फर्ज होना चाहिए, हम सामाजिक लोगों का भी मैं तो उत्तरदायित्व समझती हूँ, नैतिक जिम्मेदारी भी समझती हूँ कि वो कहीं ना कहीं पहल करें और इस चीज को अवेयरनेस के रूप में लेके आए कि हम किस पहर में किस जगह जो जा रहे हैं, ये हमारी सतर्कता होनी चाहिए। अगर सुनी रास्ता है तो हमको समझना चाहिए कि उस जगह हम जाएं नहीं जाएं, ये हमारे सतर्क स्टेप्स होने चाहिए। जैसे रात का समय है तो वहां हम अपने क्लासमेट्स के साथ जाएं या अपने पेरेंट्स को अलर्ट कर दें कि भाई मुझे लेने आ जाओ, तो ये सारे प्रिकॉशंस तो हमको लेने ही पड़ेंगे क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी घटना दुर्घटना हो जाती है किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ, उसके बाद के जो दंश है वो बहुत ही भयावह होते हैं और वो ताउम्र झेलने पड़ते हैं। तो इसलिए महिलाओं को और लड़कियों को हम सतर्कता के साथ जीवन जीना सिखाएं। जैसे एक कैक्टस होता है कि हम नारी तत्व के साथ तो जिए, पर अपने बैरियर्स हमारे क्या होंगे, हम किस तरह से कहां मूव करेंगे, इन चीजों की तो थोड़ी बहुत अपने व्यवहार के प्रति लापरवाही नहीं करनी चाहिए। नहीं तो इसी तरह शासनिक प्रशासनिक स्तर पे हम बस सोचते रहेंगे और ना कभी शासन सुधरेगा ना कभी प्रशासन सुधरेगा, क्योंकि बैक आप देख लीजिए और आगे भी देख लीजिए कब तक क्या, हम मैंने आपसे जो सवाल किया था करना क्या चाहिए, कोचिंग देर तक खुली रहे लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमें खुद जागरूक रहना पड़ेगा। बिल्कुल जागरूक रहना पड़ेगा क्योंकि आप कहां कहां तक हम महिलाओं को सीमित दायरे में करेंगे। कोचिंग की बात हो गई, उसके बाद वो अपने बहुत सारे ऐसी डेस्टिनेशंस होती हैं जैसे उनको काम पे जाना है, कहीं हॉस्पिटल्स में काम कर रही है, लेट आवर्स मॉल्स में काम कर रही है लड़कियां, वो भी छोटी उम्र की है, महिलाएं जा रही आ रही है ट्रेन से उतर के एक शहर से अपने शहर में, अगर उसको रात को 12 बजे की ट्रेन है तब आना पड़ रहा है। तो आप कहां कहां तक महिलाओं को एक लॉकिंग वे में रखेंगे कि आप सुकुड़ जाइए, सीमित हो जाइए? ये प्रशासन की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है कि नागरिकों की सुरक्षा उसी की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं अगर वो, मैं आपके आपके पास रोकूंगा सुखप्रीत को, और बार बार कुछ इशारा कर रही है, एक बार समझ लेते हैं कुछ कहना चाह रही, बताइए। देखिए कुछ चीजें जो जैसे 8 बजे का वो रखा है जी, स्कूल सुबह के टाइम पे ही क्यों लगते हैं, कॉलेजेस क्यों एक टाइम क्यों दिन का टाइम चुना जाता है? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस सरकार लेती है उसमें तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई हर जाए। बच्चा पढ़ने वाला जो बच्चा है उसके लिए वो हमेशा, ज्यादातर बच्चे जो होते हैं आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके पता कर सकती हैं कि उनको कोई गाड़ियां लेने और छोड़ने नहीं आती है। ज्यादातर बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों पे या कैसे तो भी वो करके अपना बसेस पे वो अप्लाई करके वो लोग अपने आप अकेले ही आते हैं। जैसा कि अभी एक उस बच्ची के साथ हुआ कि माँ बाप दोनों अगर वर्किंग है तो बच्चे अकेले आते हैं। अगर इस तरीके का कोई स्टेप उठाया है तो मुझे ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को सुरक्षा देने के भाव से ही सरकार ये काम कर रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस अगर ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में ऐसे इस तरीके के मतलब ये अपराध हो रहे हैं और 3 साल की बच्ची के साथ, आपको मालूम होगा कि जो माइनर गर्ल्स के साथ रेप हैं, जो NCERB की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली 94% रेप्स या तो उसके रिश्तेदार बच्ची के या नेबर्स, ठीक है, इनके द्वारा किए गए, बिना नशे के किए गए, सोच समझ के बच्चियों के साथ किए गए। तो इसको देख के हमें ये लगता है कि समाज का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं गिर रहा है। ये जो असंवेदनशील पुलिस वाले, असंवेदनशील डॉक्टर्स, असंवेदनशील और जो सिस्टम में लोग हैं, ये समाज का हिस्सा हैं। और आज अगर समाज का चरित्र गिर रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ यू नो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो समाज में हमारी, हम आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, हम आगे आने वाली पीढ़ी को, और बहुत फिर हम ये नहीं कह सकते हैं बैंगलोर में पढ़ी लिखी लड़की के साथ, पढ़े लिखे लड़कों के एक पूरे हुजूम ने उसके साथ गैंगरेप किया,
न्यू ईयर ईव पर वो वापस आ रही थी। बैंगलोर आप जाते हैं, हर व्यक्ति पढ़ा हुआ है, हर व्यक्ति आईटी प्रोफेशनल्स उसमें से निकलते हैं जिन्होंने रेप किया। आप इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं बांध सकते हैं कि छोटे के साथ हो रहा है, बड़े के साथ हो रहा है, अनपढ़ कर रहा है या नशेड़ी कर रहा है या कौन कर रहा है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो क्राइम है अगेंस्ट वुमन, ये पृथ्वी का जब से पुरुष और स्त्री बने ये सबसे पुराना क्राइम है। जब एक स्त्री पर क्राइम होता है लेकिन आप ये देखिए, कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी देश में ऐसा संभव नहीं है कि हम हर एक व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति खड़ा करें। लेकिन जो कानून, जो लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरीके का प्रशासनिक जो इस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा एक बार मैं फिर आऊंगा आपके पास। मोनिका वर्मा हमारे साथ है, मनोचिकित्सक है। मोनिका जी, आप कैसे देखती हैं ये सारी स्थितियां, नशा, अन्य तरह का वो जो अपने ही है उनके शोषण का शिकार होना, बच्चों को, महिलाओं को, सबको इस तरह के शोषण का शिकार होना, असुरक्षा का भाव या किसी का फायदा उठा लेने की ये जो कोशिश है, इसको कैसे देखते हैं? समाज में क्या बहुत ज़्यादा इस तरह की गिरावट आ गई है या ये अवस्थाएँ, ये सोच हमेशा सदियों से घर कर गई थी? ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आप कैसे देखते? देखिए, जहाँ तक ये जो घटना भोपाल में घटी है ये कोई असामान्य घटना नहीं है, ये बहुत ही सामान्य सी घटना है जो किसी भी प्रदेश में आप देख सकते हैं। कुछ महीने पहले ऐसा ही केस आपने हिमाचल प्रदेश में गुड़िया के साथ देखा, और हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद भी प्रशासन, शासन या हम कहें पुलिस कर्मचारी, जहाँ पुलिस वालों को जेल भी जाना पड़ा या सलाखों के पीछे जाके या CBI की इंक्वायरी में भी बैठना पड़ा। आप सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए कि जब हमारे शासन प्रशासन से ये बयान आता है कि 7 बजे के बाद बच्चियां कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जाएंगी, उस बच्ची को छोड़ दीजिए, उन सारी बच्चियों के बारे में सोचिए, उनकी मनोस्थिति के बारे में सोचिए जो कुछ बनना चाहती हैं, कुछ आगे जाकर के करना चाहती हैं, और 7 बजे की लिमिट, अगर उनके लिए 8 बजे की लिमिट तय कर दी गई है तो क्या शासन इस बात की गारंटी देता है कि 8 बजे से पहले रेप नहीं होंगे? क्या इस बात की गारंटी दी जाती है? और सबसे दूसरी बड़ी बात है, हमारे प्रदेश में या हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रूलिंग दी गई, 0 FIR। किसी भी ज्यूरिसडिक्शन में यदि वो केस नहीं आता है तो बच्चियां या महिलाएं जिनके साथ अपराध होता है वो किसी भी थाने में जाकर के 0 FIR लॉज करेंगी। तो क्या हमारा पुलिस प्रशासन इसके बारे में एजुकेटेड नहीं है? और अगर नहीं है तो क्या प्रशासन के द्वारा इस बारे में अवेयरनेस नहीं फैलाई जानी चाहिए और इस बारे में आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था पहले कि इस तरह के किसी भी क्राइम को लेकर 0 FIR लॉज हो और संबंधित थाना को उसको रेफर कर दिया जाए? मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक महिला होने के नाते आपके मन में इस तरह के बहुत से सवाल होंगे, लेकिन आप एक एक्सपर्ट भी हैं, मनोचिकित्सक हैं, आप उस मनोविज्ञान को भी समझती हैं। ये जो चीजें हैं, इस तरह के अपराध क्यों घटित होते हैं, कैसे घटित होते हैं, क्या वो अवस्थाएं हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, बचने के उपाय एक रात में तय नहीं होंगे, एक मिनट में तय नहीं होंगे। सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। अगर हमारा प्रदेश में एजुकेशन लेवल बहुत नीचे है, अगर हमारे प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं है तो इस तरह की घटनाएं होंगी। शिक्षा को बढ़ाना होगा, सेंसिटिविटी समाज की बढ़ानी होगी, एक एक परिवार के अंदर जो मूल्यों की बात हमें अभी हमें सुनने को मिली है, समाज के मूल्य तब गिरते हैं जब एक एक परिवार के मूल्य गिरते हैं। हम मूल्यों की बात करें, हम समाज के मूल्यों की बात ना करें, हम हर परिवार के मूल्यों की बात करें, माता पिता से लेकर के बच्चों तक, या उस एक परंपरा को जिसमें मूल्य ट्रांसफ़र किए जाते थे या मूल्यों की बातें शिक्षण संस्थानों में भी बताई जाती थी, तो वो सब चीज़ें कहीं विलुप्त होती नज़र आ रही हैं। और शिक्षा को बढ़ाए बगैर हम शायद इन समस्याओं से निजात नहीं पा पाएंगे। बिल्कुल सुमन त्रिपाठी, मैं आऊँगा आपके पास आऊँगा। सुमन त्रिपाठी, एक जर्नलिस्ट के नाते आप कैसे देख रही हैं इन सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं आप, और क्या लगता है कि क्या इसी तरह से टाइम तय कर देने से सब सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? नहीं, टाइम
तय नहीं करना चाहिए बच्चों की एजुकेशन का है, किस किस को रोकेंगे। ये इससे तो ये कोई लड़कियां ही नहीं पढ़ रही हैं, लड़के भी हैं। आप कहते हैं कि लड़कियां 8 बजे के बाद ही निकलेंगी, कल को जहां सिर्फ लड़कियां हैं जिस परिवार में, और तमाम दिक्कतें आती हैं, महिलाओं को भी बाहर निकलना पड़ता है, उनको उस समय अभी हॉस्पिटल में जाना है, किसी महिला को जाना है, उससे कहो कि आप इतने बजे नहीं निकल सकते, तो वो ये संभव नहीं है। मेन हमारे यहाँ जो है कानून व्यवस्था भी बनाना है, सामाजिक व्यवस्था भी बनाना, जिसके मूल गिर चुके हैं, और आपसी लोगों को भी अपने आप में ये समझना बेहद जरूरी है। कानून जब सख्त होगा तो निश्चित थोड़ा सा अपराधियों में भय होगा, और भय होगा तो ये अपराधों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ सकती है। बिल्कुल, आपको हम एक विजुअल दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन पर हमारे ब्यूरो चीफ राजेश सक्सेना की एक रिपोर्ट देखी थी आपने, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर एक नशेड़ची से बातचीत की थी और उसने क्या कहा सुनिए, उसके बाद हम बात इस नशे पर भी करेंगे। मेरी माँ बहन बेटी नक्शा होनी चाहिए, इधर 6 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो चाहे कहीं भी, कहीं से भी सपोर्ट मिलने चाहिए पुलिस की तरफ से भी। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग नहीं घूमते, वो बढ़ावा दिया पुलिस वालों ने, पुलिस वालों की गलती है, बढ़ावा पुलिस वालों ने दिया ऐसे लोग। हाँ नहीं तो देखो पुलिस नहीं रहती यहाँ पर, नहीं नहीं रहती है, लेकिन हम हमारी माँ बहन है, हमारे घर में ही माँ बहन है, बहू बेटी भी हैं, ऐसे नहीं मोहम्मद आदमी है हमारे, फिर भी हमारी जिंदगी आ रही है। मैं आप लोगों की तरफ से खड़ा है और पुलिस संगठनों की तरफ से भी खड़ा है, मैं गलत देखते नहीं, गलत बंदा भी नहीं है, क्योंकि कम से कम उनकी सपोर्ट मिलनी चाहिए। कोई बहू बेटी कहाँ से आए, कौन है, क्या है, कम से कम माँ है, बहू है, बेटी है, कम से कम उनकी सब सपोर्ट। कुल मिला के तुम्हारा कहना है कि पुलिस सुरक्षा यहाँ नहीं रहती? नहीं रहती, नहीं रहती। हाँ सर, बस सर, ओके, ऑल बेस्ट, थैंक यू, गुड आफ्टरनून, ऑल बेस्ट, थैंक यू, गुड आफ्टरनून। चलो, देखा सुखप्रीत जी आपने कितनी नैतिक, कितनी जवाबदार, कितनी जिम्मेदार, आज का है ये। एक नशेड़ची रेलवे स्टेशन पर अभी भी खुलेआम इसी तरह से घूम रहा है, और सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं, रेलवे स्टेशन तो एक ऐसी जगह है जहां सुरक्षा के कई तरह के इंतज़ाम होते हैं, और ये कोई अनजाना सा आदमी नहीं है, ये पहचाना सा है, उसी स्टेशन के इर्द गिर्द घूमता है, कई तरह के नशे करते हैं ऐसे लोग, छोटे बच्चे जिस तरह के नशे कर रहे हैं, किशोर जैसे नशे कर रहे हैं, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो खटकती हैं। इस स्टोरी में आपने जब आप हमने शुरुआत में एक स्टोरी दिखाई थी, आपने देखा होगा एक जगह दिखाई गई थी कि रेलवे स्टेशन पर ये जगह है जो अकेली महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये जगह है, वो यहाँ अकेली महिलाएं यहाँ बैठेंगी। अब वो बिखर गई है, लगभग 3 महीने पहले उस स्टेशन पर मैंने व्यक्तिगत रूप से, मैं कहीं सफ़र कर रहा था, दिल्ली की तरफ जा रहा था, और इत्तेफाक यह है कि जीआरपी के जो एडीजीपी हैं मिस्टर जीपी सिंह, वो भी उस दिन उसी स्टेशन पर थे, उसी समय थे, और उस जगह पर महिलाओं के बैठने का जो स्थान, उसके विजुअल हैं हमारे पास, कोशिश करेंगे हम उसको भी आगे आपको दिखाएंगे, महिलाओं के जो बैठने के का स्थान था उसमें सभी पुरुष बैठे थे, उसमें ऊपर लिखा हुआ है, मॉनिटर में लिखा था। उस जगह को अब ना जगह रहेगी और ना इस तरह की बात खड़ी होगी, हमने उसको चलाया था, खबर दिखाई थी, मैंने सोशल मीडिया में भी उसको वायरल किया था, अब हम देख रहे हैं वो जगह ही नहीं बची, वो बिखर गई है वो सारी जगह। तो सोच क्या है हमारी, समस्या को इसी तरह से निपटाएंगे, 8 बजे के बाद आने नहीं देंगे, अगर कोई जगह सुरक्षा के लिए बनाई गई है तो अब उस जगह को ही नहीं रहने देंगे। देखिए आप देख रहे हैं, ये विजुअल दिख रहे हैं, ये सब उखड़ गई सारी चीज़ें, तो क्या सोच क्या हो गई है हमारी, आखिर हम करना क्या चाहते हैं। सुखप्रीत आप ही से पूछ रहा हूँ, बात है कि इसलिए हटाया गया उसको क्योंकि वो महिलाओं के लिए, ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि किसी में जो महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान होते हैं उनको कोई इसलिए तोड़ दे। आपने मुझे बताया, मैं इस बात का पूरा संज्ञान लूँगी और आलोक संजर जी से भी मैं बात करूँगी जो कि सांसद हैं, उनसे भी पूछूंगी कि कोई इस प्रकार की उनको अगर ये आपसे अगर हम विजुअल्स लेकर बिल्कुल आगे करा देंगे, बिल्कुल जीआरपी से बात करें, वो आगे डीआई मतलब आईजी डीआईजी लेवल पे बात करेंगे वो बिल्कुल,
इस बात का मैं आपको आज अभी आश्वासन देती हूँ, क्योंकि इस बारे में मेरा आशय सिर्फ इतना है कि हम किस मानसिकता पर काम कर रहे हैं। हमारी सोच ये हो गई है, पुरानी कहावत है कि चीलर के डर से कभी कंबल या कथरी जलाई नहीं जाती, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उन सारी चीजों को हटा देना चाहते हैं। अब हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे तो हमने रात में आने से मना कर दिया, अब हम कह रहे हैं कि हॉस्टल की भी जिम्मेदारी होगी, इनकी भी होगी। ये जिम्मेदारियों तो पहले से तय है, क्यों नहीं जिम्मेदारियों को निभाने जैसी कुछ चीजों पर हमने पहले से निगरानी रखी, कोई इस तरह की चीजें की। और अफसरों के तबादले की बात है, वो भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक अफसर बहुत जोर जोर से हंस रही है और दूसरा एक ऐसा अफसर जिसकी एक ऐसी छवि है, निष्पक्ष तटस्थ और ईमानदार अफसर की छवि, उसी सूची में उसका भी आप तबादला कर देते हैं। फिर लड़की चीख चीख कर कह रही है कि वो एक थानेदार जो है उन्होंने बड़ी मदद की एक TI ने, आप उसको भी सस्पेंड कर देते हैं उसी तरह के बाकी अकर्मण्य लोगों को। इस पर भी जानने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं कि किन लोगों ने उनको कार्रवाई से रोका, किसने सिर्फ GRP की तरफ टाल दिया इस पूरे मामले को। ऐसी सारी चीजों पर अगर हम नहीं जाएंगे तो हम कार्रवाई सिर्फ फेस सेविंग के लिए करेंगे, इससे न समाज का भला होगा और जाहिर सी बात है आपके प्रशासन पर सवाल जरूर उठेंगे। मैं अब यहाँ पे ये कहूंगी कि बहुत सारी चीजें हैं, आप जब पूरा हम ये कहते हैं कि जड़ से निर्मूलन करते हैं हम किसी समस्या का, तो उसके जो कॉजेज हैं कि वो सब क्यों हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो हिंदुस्तान की है उसमें जो ये सेक्स रेशियो था ये चेंज हो रहा था। मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया। कहते थे सेक्स रेशियो डिस्टर्ब है इसलिए रेप केसेस हो रहे हैं। हमने भ्रूण हत्याओं पर बेटियों को बचाने के लिए सालों से भारतीय जनता पार्टी की जिस जिस प्रदेश में सरकारें हैं वहाँ काम कर रही हैं। फिर ये कहा जाता था कि शौचालय नहीं है, महिलाएँ बाहर जाती हैं ग्रामीण अंचलों में, वहाँ जाके उनके रेप्स हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा एक कारण रिपोर्ट्स में आया, जो सर्वे रिपोर्ट्स आई गवर्नमेंट की, कि महिलाएं शौचालय के लिए खुले में गई और वहां पे रेप हुआ। हम लोगों ने शौचालय के लिए एक बहुत मुहिम चलाई हुई है और ग्राउंड लेवल पर बहुत शौचालय, करोड़ों में शौचालय बन रहे हैं। आप कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे आपको शौचालय अब नजर आने लग गए हैं कि घर घर में शौचालय बन रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम ये कहें कि लिटरेसी रेट है तो लिटरेसी रेट भी पिछले 10 मेरा, सालों मेरा, में मेरा 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 मैंने आपसे कहा था कि मैं एक विजुअल दिखाऊंगा, उसके बाद नशे पर बात करूंगा। जी, नशा कुछ वैध कुछ अवैध, जो वैध है वो महंगा मिलता है, जो अवैध है वो सस्ता मिलता है और पूरा सिस्टम उसमें शामिल है। आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीजों पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी ड्राइव चलनी चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत समय पहले उन्होंने ये घोषणा करी थी कि कोई भी शराब की नई दुकान नहीं खुलेगी और उसके बाद मैंने आपको रोका, मैंने आपको रोका, मैं रोक रहा हूँ आपको। हाँ, तो आप अवैध की बात कर रहे हैं। मैं अवैध की बात कर रहा हूँ, मैं शराब की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आप नहीं खोलेंगे, आप शराबबंदी भी कर देंगे आगे सारी चीजें, लेकिन वो जो सफेद जहर है, वो जो ऐसा जहर है जो पूरी पीढ़ी को नष्ट कर रहा है, स्नायु तंत्र बर्बाद कर रहा है, सब कुछ बर्बाद कर रहा है। देखिए उनकी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ये जो पाउडर और ये सारी चीज़ें हैं इनकी बहुत ज़्यादा धर पकड़ होती है और बहुत कंट्रोल में है। आप अगर कंपेयर करें दूसरी स्टेट से नशे के मामले में, मध्य प्रदेश अभी उतना नशे की गिरफ्त में जकड़ा हुआ नहीं है जितने की बाकी प्रदेश हैं। उसके बाद भी मैं आऊंगा उसके बाद भी अंतिम प्रतिक्रिया लेनी है, इसलिए सब लोगों की बात सुन लूं, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लेने वक्त की भी कमी है। उसका उसके बाद भी बहुत संवेदनशीलता से ये बात रखी जा रही है। मैं आऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो इस तरीके के मामले हैं उसमें और जहाँ जहाँ पता लगता है वहाँ पर लगातार छापामारी चलती है, लगातार उनकी धरपकड़ चलती है। मैं आऊंगा, आऊंगा बहुत बड़े लौट कर आऊंगा। और ये रिहेबिलिटेशन सेंटर कुछ बनाए हैं आपने इसके, ये भी आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि ये नशा इसकी गर्त में एक बार कोई चला गया तो फिर उसका वापस लौटना बहुत मुश्किल है जब तक उसको कोई ऐसा इलाज न दिया जाए। उसके लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास लौटूंगा। आशा जैन आप कुछ कहेंगी, नशा ही अब विषय नशा ही रह गया। देखिए 8 बजे आज कोचिंग संस्थान को बंद करने की बात हुई, तुरंत प्रतिक्रिया आ गई। कभी ऐसी प्रतिक्रिया का क्यों नहीं आती कि जो शराब की दुकानें इन्हें 8 बजे के पहले बंद कर दिया जाए, जो रहवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानें हैं। मैं खुद कोलार मदिरा विरोधी मंच
मेरा खुद का है जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। पिछले 5 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं रहवासी क्षेत्रों से उन दुकानों को बाहर करने के लिए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, अभी मेरी साथी बोल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान जी का मिशन रहा है कि उन्होंने नए दारू के या शराब के ठेके या मदिरा के ठेके नहीं दिए। देखिए, हम बात, हमें मालूम है कोई भी विकृति, कोई भी नशाखोरी इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी, लेकिन आप उसकी शुरुआत तो करिए। आप शराब की दुकानें बंद नहीं कर सकते, नशे की दुकानें बंद नहीं कर सकते। आपको भी याद दिला रहा, आपको भी याद दिला रहा हूँ, मैं अवैध नशे की तरफ मैं बात कर रहा था। देखिए देखिए देखिए, मैं आऊंगा सुप्रीम जी सबसे आखिरी में आपके पास। बात कर रही है कांग्रेस, रिजवान जी उनकी। देखिए, अब ये समय आ गया है, मैं आऊंगा सुप्रीम में आऊंगा आपके पास आऊंगा। देखिए देखिए, आप ये बोलिए सुप्रीम जी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करने का समय आ गया है। मामला बहुत संवेदनशील है। देखिए रिजवान जी, अब समय आ गया, हमें सामाजिक रूप में सामने आना होगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता दिखानी होगी। नशे के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था, नशे की जो आने के जो सुराग है ना, जगह जगह कानून व्यवस्था को इतना पाक चौबंद, चाक चौबंद हमको करना होगा, प्रशासनिक अमले को और कानून व्यवस्था को इस तरीके से एकजुट होकर काम करना होगा कि जो नशे का अवैध व्यापार है ना, जो यहाँ वहाँ लीकेज है, कैसे पिछले डोर से, आप बोल रहे हो कि सामने डोर से नशा पाउडर चरस गांजा ये हम पकड़ लेते हैं, नहीं आने देते, तो कहाँ पर वो सुराग है, कहाँ वो छेद है, कहाँ कानून व्यवस्था में वो गलतियां हैं, कहाँ प्रशासनिक अमले में वो खामियां हैं, वो हमें ढूंढना होंगी। दलगत राजनीति से उठकर काम करना होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं चलाना है। अब हमको एक सम्मान, एक महिला सम्मान को अगर आ रही है, देखिए आरोप की बात है, सुप्रीम जी ने बोला, सुप्रीम में आऊंगा आपके पास सबसे आखिरी में आऊंगा। देखिए सुप्रीत जी ने बोला कि नशे का मामला हो या महिलाओं पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश अभी उतना आगे नहीं गया। मैं इस पर जांच करूंगी, बिल्कुल। देखिए ऑब्जेक्शन इस बात पर, आप नशे के मामले में आप, बोला है, आप कह सकती है, बाद में आपको मौका मिलेगा, आपको मिलेगा ना सुप्रीत, सुप्रीत आपको आखिरी में मौका मिलेगा, उन्हें कह लेने दीजिए। महिलाओं के विषय में मैंने नहीं कहा ये, मैं बिल्कुल, आप कहिएगा ना, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, आप कहिएगा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, आप मौका मिलेगा जी। देखिए सब अपने विचार रखने यहाँ एकत्रित, जल्दी बोलिए, आशा आशा छोड़िए उसको, आप बताइए। नशे की जो सुराग रही, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी रिजवान जी, आज जो अवैध नशे के जो गोरख धंधे, आप किसी भी संदिग्ध जगह पर जाकर देख लीजिए, या फिर आप रेलवे स्टेशन पर जाकर देख लीजिए, आप किसी टॉकीज के पीछे जाकर देख लीजिए, या किसी ऐसी लंबे लंबे जो मार्केट होते हैं उनके पीछे जो नाले होते हैं, नाले के खड्डे में कई अवैध नशे की पुड़ियां लेकर नशेड़ी लोग वहां पर नशा करते हैं, तो पुलिस को एक संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करना चाहिए और वहां पर ऐसी सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। एक तो ये नशे जो आदत है, इसको जो करते हैं जितने नशेड़ी, उनको एक चिन्हित करके वहां पर ऐसी कोई जगह को बैन कर देना चाहिए कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वहां ना निकले, ना जाए, एक बार। दूसरा, निर्भया जैसी टीमें अगर मध्य प्रदेश सरकार ने गठित की थी, उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभी एक बात उठकर आई थी कि हर महिला के साथ एक व्यक्ति नहीं चल सकता है, बिल्कुल सटीक बात है। अभी अंशु जी ने भी एक बात कही थी, कि हर महिला को बॉन्डिंग में रहना स्वीकार नहीं होगा। आशा जी आपको रोकूंगा आशा जी, अंशु गुप्ता नहीं, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, वक्त समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में, पटवा जी के समय में ही महिला थानों का गठन हुआ। बहुत संवेदनशीलता से इन मुद्दों को ले रही है, सारे कोई ऐसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपसे वो हम दूर करना चाहते हैं। आप आखिरी में बोलिएगा ना, सारी चीजों का जवाब आपसे लेंगे, सभी को सुनने आए हैं, और सुप्रीत जी इस तरीके से हल्ला करेंगे। आप छोड़ दीजिए, आशा आप बात आपकी आ गई है। अंशु गुप्ता, जल्दी से अपनी बात कहिएगा, नशा जो है वो आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ कोई मुहिम है, कुछ दिखता है कहीं, आपको लगता है कोई ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर है, बहुत ढेर सारी महिलाएं आपके साथ काम करती हैं, आपको लगता है कि कहीं कोशिश की जा रही है कि किसी का नशा छुड़वा दो इस तरह से? जी बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर लगता तो उसके रिजल्ट्स जरूर आते। आप कह रही थी कि नई जो दुकान है वो आवंटित नहीं हुई, तो पुरानी भी बंद नहीं हुई है। तो चलिए मैं अवैध को छोड़ देता हूँ, अवैध नशा जो है वो नशा जो बाजार में पुड़ियों में मिल जाता है, बाजार में अन्य तरह से मिलता है, कोई इंजेक्शन लगा रहा होता है, कोई अपने घर का बर्तन बेच रहा होता है,
कोई रास्ते से किसी की साइकिल उठा ले जाता है, ऐसी बहुत ढेर सारी घटनाएं हैं, आधे से ज्यादा तो पुलिस रजिस्टर्ड ही नहीं करती, इसलिए कि वो नशेड़ियों को वो अपने हवालात में रख भी नहीं सकते। रिजवान जी, मैं बहुत कटु सच्चाई कहना चाह रही हूँ, जो हमारी सोसाइटी का परिदृश्य अगर आप देखें तो यहाँ जो बाहर से लड़कियां इवन जो आ रही हैं वो भी बहुत बड़े नशे के ग्रस्त में आ गई हैं। आप होशंगाबाद रोड का ही ले लीजिए, इवनिंग में मतलब 9 बजे के बाद यहाँ के सारे जो ढाबे हैं, सारी रोड है, उन पर रुकी हुई कार है, मैक्सिमम लड़कियां भी नशा कर रही हैं। तो ये आ कहाँ रहा है, संरक्षण आ कहाँ से रहा है, इनको पाल रहा कौन है, इनको पोषित कौन कर रहा है, इसमें कहाँ ढिलाई है, जरूर डेफिनेटली ऐसी चीजों को समाज के अंदर भी देखना पड़ेगा, सिर्फ अकेले प्रशासन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई राह से भटक गया है तो उसको सही राह में लाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम होने चाहिए। मुनिका वर्मा, आपसे मैं समझना चाहता हूँ, इस नशे, ये वो जो नशे जो अवैध रूप से, जी रिजवान जी, ये सच्चाई है कि पूरे प्रदेश भर में जो छात्र बाहर से पढ़ने आते हैं या जो प्रदेश के छात्र हैं वो तरह तरह के नशे में विलुप्त हैं। नशा कहाँ से आ रहा है, नशा कब किया जा रहा है, इस संबंध में क्या माता पिता अवेयर हैं, इस संबंध में या क्या वो जितने भी हॉस्टल प्रशासन है वो जागरूक है कि बच्चे कमरों में क्या करते हैं। मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के नाते हम अपने पास आ रहे स्टूडेंट्स को देखते हैं कि बच्चा जो एक माह में हमारे पास आता है सिर्फ 2 शर्ट में आता है, अगले 2 माह में वो कितनी शर्ट्स बदलता है या कितने सूट्स वो बदलता है या कितनी वो ड्रेसेस बदलता है और किस तरह के महंगे मोबाइल वो लेता है, तो ये सब चीजें कहाँ से आती हैं, ये सब सोचने की चीजें हैं। और एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति के आधार पर यदि आप देखें तो ये कटु सत्य है कि हम एक दूसरे को देख करके प्रोग्रेस की रेस में या डेवलपमेंट की रेस में दौड़ना चाहते हैं, तो हमें ये तो कहीं ना कहीं समझना होगा, सेंसिटिविटी समाज की ये समझनी होगी कि हमारी विकास की दौड़ किस तरफ जा रही है, हम किस तरफ दौड़ रहे हैं। वो जो युवा अवस्था है, टीन एज है, जिसमें सबसे अधिक भटक सकते हैं, और दूसरा हमारी देश के अंदर ट्राई की गाइडलाइंस कहें या किसी कोई भी आप कहें, हमारे देश में जो फ्री इंटरनेट फ्लो है, कभी भी आप ये सोच नहीं सकते हैं कि हमारा बच्चा इंटरनेट के जरिए से भी कौन सा नशा विजुअल्स का करता है, कौन सा नशा वो किस तरह की भाषा का करता है और किस तरह से वो चीजें आगे ट्रांसफर होती हैं। एक एजुकेटेड से अनएजुकेटेड समाज के लिए जब वो चीजें ट्रांसफर होती हैं तो दिमाग की प्रवृत्ति किस तरीके से बदल जाती है। बिल्कुल, एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर आप उसको बेहतर, बस सुप्रीत आपसे सुमन जी से पूछ लो, मैं आऊंगा आपके, सुप्रीत मैं आऊंगा आपके पास, सुप्रीत मैं आऊंगा आपके पास, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगा, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। सुमन त्रिपाठी जी, अवैध नशा रिपोर्टिंग में बाकी समय में बहुत बार इस तरह की चीजें सुनने मिलती हैं, देखने भी मिलती है, बहुत बार सुनने में आती हैं। अवैध नशा जहाँ देखो वहाँ किनारे पे अभी ये अवैध नशे का ही परिणाम हुआ है जो अभी 4 दिन पहले अपने हुआ है, और ऐसी कई जगह हैं, बहुत सेंसिटिव जगह हैं जहाँ ये नशा फैल रहा है। इन जगहों पे निश्चित कहीं से सुरक्षा की दृष्टि से कहीं पुलिस का पहरा हो, कहीं उन लोगों पे रोक हो, उन लोगों को बैठा नहीं जाने दिया जाए, ये देखा जाए कि ये नशा कहाँ से आ रहा है, उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। सामाजिक स्तर पे तो रोक हर माँ बाप लगाते हैं, ये नहीं है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को नशे के घर में जाने देता हो, लेकिन जो चुपचाप बाहर से बिगाड़ रहे हैं बच्चों को, उन पे नजर रखना भी जरूरी है। जैसे अभी ये 4 दिन पहले केस हुआ, वो वहाँ पर स्टेशन सामने दिख रहा है, वहाँ पर जरूरी था जीआरपी की पुलिस थाना भी पास में था, एक लाइट होनी चाहिए, सब मालूम है कि ये बच्चे यहाँ से रोज निकलते हैं कोचिंग के, फिर वहाँ वो सुरक्षा व्यवस्था या जरूरी जो व्यवस्था एक नॉर्मल भी होती है वो क्यों नहीं की जाती है। इन जगहों को चिन्हित किया जाना चाहिए, और थोड़ा ये तो कानूनी रूप से सुरक्षा हर महिला हर वर्ग हर समाज चाहेगा। बिल्कुल सुप्रीत, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा इन सारी बातों में। अवैध नशा एक बहुत बड़ी बीमारी है समाज की, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि उड़ता पंजाब जैसा, उड़ता मध्य प्रदेश जैसी कोई स्थितियां बने, तब हम उस पर गंभीर होंगे। कुछ एक उदाहरण के साथ मैं आपको सिर्फ इस बात पे आपसे समझना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का कोई भी रेलवे स्टेशन अछूता नहीं है जहां इस तरह का नशा करता हुआ आपको कोई किशोर या युवा नहीं मिल जाएगा। खास तौर से वो नशा, वो जो पंचर जोड़ने वाले सॉल्यूशन जैसे कुछ नशे, वो
गर्द जैसे कुछ नशे उनके बीच में मिलेंगे। अभी एक बच्चा आपने देखा, इसका उपयोग करते मिल जाएंगे। ये क्यों नजर नहीं आते? कौन सा वीआईपी है जो उन स्टेशनों पर नहीं जाता होगा? लेकिन हमें नजर नहीं आता, नजर आता है, हम अनदेखा करते हैं। लगता है हमें कि समाज में शायद हम इसमें कुछ इससे जूझ नहीं सकते, इसलिए। दूसरा, जब नशे की गर्त में कोई चला जाता है तो वो अपने घर के पहले परिवार के लोगों के बर्तन, घर के जेवर बेचता है और फिर बर्तन तक बेचने लगता है। बहुत ढेर सारे अपराधी इस तरह से समाज में इसमें शामिल हैं, लेकिन पुलिस अफसर उसे थाने में इसलिए नहीं बैठा पाता कि वो उस घंटे दो घंटे बाद में उस नशे को मांगने लगता है, उल्टियां करने लगता है। और बहुत, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस पर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी, ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने पड़ेंगे। क्या हम इस दिशा में कहीं आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ। एक रहमान जी, आप ये भी आपको मालूम होगा कि डिफरेंट कैटेगरीज के लोग डिफरेंट तरह का नशा करते हैं। अब अगर आप खास तौर पे, हम ये कह रहे हैं स्टेशन के आसपास जो बिलो पावर्टी लाइन वाले लोग हैं, जिनका आपने जिक्र किया कि जो कुछ सॉल्यूशंस हैं वो पी लेते हैं, बेनेड्रिल पी लेते हैं, इस तरीके के नशे जो कि सही मायने में वो नशे नहीं हैं, वो कुछ और काम करने की दवाइयाँ और चीज़ें हैं जिनको वो पी के और नशे की गिरफ्त में रहते हैं। देखिए, जो बिलो पावर्टी लाइन वाले लोग हैं, जो बहुत सारे रेलवे स्टेशन के आसपास की जो रेलवे की ज़मीनें हैं उस पर झुग्गियाँ बनाए हुए हैं, उस पर भी कुछ ना कुछ संज्ञान बहुत जल्दी लिया जाएगा। ये मैं आपको आश्वासन इसलिए दे रही हूँ कि मेरी माननीय सुषमा स्वराज जी से इस पर चर्चा हुई और उन्होंने वो आगे रेल मंत्री से, जो इंडिया के रेल मंत्री हैं उनसे चर्चा करेंगी और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में जो बिलो पावर्टी लाइन है, जो इस तरीके के भी नशों में, या जिनको हम ये कह देते हैं कि वो उस तरीके की उनको शिक्षा और एजुकेशन नहीं है, रहेंगे तो हमारे साथ वो भी इस देश में, जब जनसंख्या को कंट्रोल करने की बात आती है तो सियासत चल पड़ती है और उसमें कहीं भी निर्णय नहीं हो पाएगा। ये आप भी जानते हैं कि कुछ इस तरीके के लोग सामने आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि इस तरीके का कोई भी, जो सामान्य हम आचार संहिता को लागू नहीं करने देंगे और जनसंख्या को कंट्रोल नहीं होने देंगे। अब आप जनसंख्या की चिंता कर रही हैं, लेकिन आप कई बड़े बड़े नेता कहते हैं चार चार बच्चे पैदा नहीं करूं। इस तरीके की बात मैं आपसे इस पे अपन एक बार और डिबेट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आप ही चिंता कर रही हैं और आपके बड़े नेता। मेरी एक बात और होने दीजिए, जहाँ तक हम ये है कि टीवी पर कुछ भी दिखाया जा रहा है, इंटरनेट पे कुछ भी दिखाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा ही जो पोर्नोग्राफिकल चीजें हैं उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया। लेकिन उस समय, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि देश के जो बहुत प्रभुत्व और बहुत जाने माने लोग हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी थी और उन चीजों को रोकने के लिए उन्होंने, जब ये कहा गया था कि छोटे बच्चे भी इसको देख रहे हैं फेसबुक पर और जगह पे, हर जगह पे छोटे बच्चे आज कंप्यूटर्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए उनको होमवर्क दिया जाता है और जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इसी प्रकार से मैं अपनी बहन जी को बोलूंगी, उन्होंने कहा कि इस तरीके से ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये तो कांग्रेस के समय में भी होता आया, उस समय भी होता रहा है। लेकिन अब बात ये है कि अब लड़कियां, जब एक लड़की जब बाहर निकलती है अपना करियर बनाने के लिए निकलती है, आज लड़कियां पढ़ रही हैं, आज लड़कियां कदम से कदम मिला के आगे चल रही हैं, तो आज जो नया भारत है, जो 21वीं सदी का भारत है, इसमें एक महिला होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि जो आज जो कानून बना है वो सख्त है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 100% नहीं है, इस बात को हम लोग मानते हैं। और कहीं ना कहीं यही वो चीज़ है जो करने वाली है कि अगर इस सख्त कानून को, और उसके बाद आपको मैं आज, और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि माननीय शिवराज जी ने एक प्रस्ताव भी केंद्र में दिया है कि जल्दी से जल्दी ये फांसी की सजा, या 7 साल से बढ़ा के उसको 14 साल की, एक मर्डर के बराबर की एक सजा तो उसको जरूर देनी चाहिए। ये भी प्रस्ताव हम भेज रहे हैं। एक केंद्रीय जो हम लोग समिति महिलाओं की बनी है, उसमें एक महिला नीति तैयार होती है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार बहुत संवेदनशीलता दिखाएगी। अभी जो हुआ है उसके लिए हम शर्मसार हैं, बहुत ज़्यादा शर्मसार हैं, क्योंकि जो हुआ है ये
घटना जो है ये मैं मानती हूँ कि ये ऐसी जघन्य घटना है, इसको हम ये कह सकते हैं कि एक सामान्य घटना की श्रेणी में नहीं आती कि कोई चार आदमी मिलकर अगर एक लड़की को पकड़ेंगे, वो सेल्फ डिफेंस में जितनी मर्जी एक्सपर्ट हो चार आदमियों का मुकाबला नहीं कर सकती एक लड़की। तो मैं ये मानती हूँ कि हम लोग पूरी संवेदना के साथ जो जो मुद्दे आज आपने उठाए, आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए और हर एक मुद्दा चाहे नशे का मुद्दा था या कुछ भी, ये सारी चीजें मैं अपने स्तर पर पार्टी फोरम पर दोबारा से फिर रखूंगी, फिर प्रयास करेंगे कि एक बार फिर से इस तरीके के हम बदलाव लेकर आए, इस तरीके का हम सिस्टम को और सजग और संवेदनशील और कड़ा करें ताकि इस तरीके के हादसे हमारे आगे बेटियों के साथ। बिल्कुल सुप्रीत कौर आप हमारे साथ जुड़ी, आशा जैन आप हमारे साथ जुड़ी, आज अंशु गुप्ता आप हमारे साथ जुड़ी, डॉक्टर मोनिका वर्मा आप हमारे साथ जुड़ी और सुमन त्रिपाठी आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मसला महिलाओं का था, समस्याएं उनकी थी, इत्तेफाक से मैं अकेला हूँ आप सबके बीच में इसलिए कि आप देश की आधी आबादी हैं, लेकिन चूंकि इस मसला ये आपका था इसलिए हमने आपके साथ ही बात की, आपको ही समझा, आपके नज़रिए से भी समझने की कोशिश की। समाज में बहुत ढेर सारी विकृतियां हैं, बहुत सी विसंगतियां हैं, लेकिन कानून के मुहाफिजों का रवैया भी कहीं ना कहीं चिंता में डालता है। समाज के अंदर से ही जब इस तरह की चीज़ों के सुधार की कोशिशें होंगी, सुधार की तरफ एक सकारात्मक पहल होगी तो बेहतर होगा, लेकिन सरकारों को भी उसके लिए माकूल माहौल बनाना पड़ेगा। और अगर कोई नशे की गर्त में चला गया तो उसे वहाँ से निकालेंगे कैसे, इसका इंतज़ाम इतना नाकाफ़ी है कि अभी हम कोशिश भी करें तो उसे ठीक नहीं कर सकते, तो उस पर भी चिंता करनी चाहिए। और ये चीज़ें, ये नशा अपराध की वजह है, ख़ास तौर से महिला के साथ जो भी अपराध होते हैं उसमें बहुत बार इन नशों का जिक्र होता है, तो इसकी सप्लाई, इसकी पाइपलाइन काट दी जाए ये भी ज़रूरी है। और समाज में हम बेहतर ढंग से जागरूक रहें, हम समझें हमारे बच्चे में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, उसे अब देखें, अपने ही तो कहीं छल नहीं कर रहे हैं, ये भी देखना समझना ज़रूरी है। लेकिन क्या इस तरह से आप पढ़ाई पर प्रतिबंध लगा देंगे, आप कोचिंग में आने जाने का समय तय कर देंगे, इससे कोई भी सरकार लोकप्रिय नहीं हो सकती, इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए।